नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं यशमीन। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर कलंकित किया शिक्षक और छात्रा का पवित्र रिश्ता। स्कूल से घर वापस न आने को लेकर छात्रा के परिजन हुए परेशान, पुलिस को दी तहरीर। पुलिस ने छात्रा की खोज में आसपास के हॉस्पिटल, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, पर नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस ने सूझबूझ से मां के नंबर से निकाला शिक्षक का पता। अलीगढ़ के गंगिरी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल के ही शिक्षक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। छात्रा जब स्कूल से घर वापस नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए, देर रात तक उसे ढूंढने लगे। उसके बाद हताश परिवार ने पुलिस में जाकर उसकी तहरीर दी। बता दें, 7वीं कक्षा की छात्रा स्कूल जाने के बाद जब घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। शाम तक उसकी तलाश करने लगे, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली तो हताश होकर थाने में जाकर गुमशुदगी की तहरीर दी। बिना देरी करे पुलिस ने परिजनों के साथ छात्रा की खोजबीन शुरू कर दी। मामला एसएसपी कलानिधि निधानी और एसपी देहात पलाश बंसल तक पहुंच गया। छात्रा की बरामदगी को लेकर क्षेत्र के सभी हॉस्पिटल, बस स्टैंड एवं मंदिर और सार्वजनिक स्थानों पर टीमों को भेजकर छात्रा को तलाशना शुरू कर दिया। वहीं लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, लेकिन जानकारी नहीं हासिल हुई। साथ ही दूसरे जिलों को सूचना देकर जानकारी का प्रयास भी किया गया। पुलिस की तमाम मशक्कत के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच छात्रा की मां के मोबाइल से एक नंबर मिला जिस पर कुछ संदेह चैटिंग सामने आई। जब उस नंबर के विषय में परिजनों से पूछा तो वह अनजान थे। बाद में पता चला कि ये नंबर छात्रा के शिक्षक का है। उस नंबर पर बात हुई तो पहले शिक्षक ने कॉल उठाई और खुद को अपने घर बताया, मगर पुलिस को उसकी बातचीत पर संदेह हुआ और दोबारा कॉल मिलाई तो मोबाइल बंद हो गया। इस पर पुलिस शिक्षक के घर पहुंच गई, जहां उसकी पत्नी ने पति के घर आने से इनकार किया और उसके दूसरे घर का एड्रेस देकर पति का दूसरा नंबर देकर पुलिस को रवाना कर दिया। जब पुलिस शिक्षक के दूसरे मकान पर पहुंची तो छात्रा को बरामद करते हुए शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छात्रा ने दुष्कर्म होने की बात स्वीकार की है। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। ऑपरेशन खुशी के तहत रात भर के प्रयास में घटना के खुलासे करने वाली टीम को एसएसपी ने दिया 25,000 का इनाम। दिनांक 18 जनवरी 2023 को समय लगभग रात के 9-10 बजे के आसपास थाना गंगेरी में सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष के आसपास थी, वो स्कूल गई थी और स्कूल के उपरांत घर लौट के वापस नहीं आई है। सूचना मिलते ही थाना गंगेरी में अभियोग पंजीकृत करा लिया गया था। क्राइम और थाने की सभी टीमों को एक्टिव किया गया था। कुछ ही घंटों के भीतर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोषी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। उसको जल्द ही न्यायालय पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।